जिलाधिकारी बड़ौत क्षेत्राधिकारी बड़ौत ने किया खिदमत रोटी बैंक का निरीक्षण। नगर बड़ौत पट्टी चौधरान में जनपद की प्रमुख सामाजिक संस्था खिदमत सोसाइटी द्वारा संचालित खिदमत रोटी बैंक के पांचवें दिन उप जिलाधिकारी दुर्गेश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी श्री आलोक सिंह के साथ साथ नगर पालिका परिषद बड़ौत चेयरमैन डॉक्टर दुष्यंत तोमर ने मौके पर पहुंचकर कम्युनिटी किचन में बन रहे खाने का जायजा लिया और भंडारे में रखे सूखे राशन को भी चेक किया तथा खाना बनने पर खुद खाकर तसल्ली की। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लागू है, जिस वजह से परिस्थितियां पहले से बिल्कुल भिन्न हो गई हैं, ऐसे समय में शासन प्रशासन के साथ साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता कर रही हैं। इसी क्रम में बड़ौत में खिदमत सोसाइटी भी लॉकडाउन के समय से ही अपने समय समय पर अपना योगदान दे रही है और सोसाइटी द्वारा रोटी बैंक के नाम से जो पका हुआ खाना बनवा कर पहुँचाया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। चेयरमैन अमित राणा ने कहा कि खिदमत सोसाइटी ने अब से पहले भी नगर पालिका सफाई कर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया था और अब ये कम्युनिटी किचन के द्वारा 101 परिवार तक खाना बनवाकर वितरण कर रहे हैं, जो कि इस समय की मांग है। सीओ आलोक सिंह जी बड़ौत ने स्वयं खाना खाने के बाद कहा कि खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इस संबंध में अपने सुझाव भी दिए, जिसे सुनकर सोसाइटी के सदस्यों में और ज्यादा ऊर्जा का निर्वाह हुआ। शहरी इमाम मौलाना आरिफुल हक ने भी कम्युनिटी किचन में बन रहे खाने का वितरण करने के तरीके की तारीफ की। सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान मलिक ने बताया कि आज पांचवें दिन छोले चावल व खीर बनवाई गई, जबकि इस पूर्व क्रम से पहले दिन आलू की सब्जी पूरी व हलवा, दूसरे दिन कड़ी चावल, तीसरे दिन तहारी, चौथे दिन आलू व पेठे की सब्जी व पूरी, पांचवें दिन तेज तहारी हलवा और आज सातवें दिन राजमा चावल बनवाया गया तथा हमारा प्रयास रहेगा कि ये किचन लॉकडाउन के बाद भी चलता रहे। इस मौके पर सोसाइटी सचिव समीर हसन, कोष अध्यक्ष इरफान बॉन्टेक्स, उमर जान खान, असलम मिर्जा, सपन जैन, इमरान प्रधान, आरिफ कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। माशाल्लाह, यहाँ डॉक्टर इरफान मलिक साहब और इनके साथ जो सोसाइटी की टीम है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि खिदमत खल्क जो बहुत बड़ा सवाब है माशाल्लाह, ऐसे माहौल में ऐसे मौके पर कि जब लॉकडाउन में हालत बहुत पतली लोगों की हो गई है, ये लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई और इनके लिए दिल से दुआएं हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ।